वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में जूझने की आवश्यकता है। 50 साल बीत गए, वक्त जाते देर नहीं लगता है। आधी सदी गुजर गई लेकिन आधी सदी हमारे सामने है। नई शताब्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक